स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपने टाइटल में तो देख ही लिया होंगे गाइस, इस तरीके के प्रॉब्लम जो है कि आम हो गया है और ये प्रॉब्लम क्यों आता है और इसे प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं। अगर आपका जो सस्पेंड हो गया है तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। आपने देखा होगा ये सस्पेंडेड जो ऑप्शन है, इसे सही करने के लिए आपको सबसे पहले जो ऐप है उसे इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आपको दिखाएगा, तो उसके बाद आपको जो सिम वन में डालना है जो जिससे आप वेरीफाई करना चाहते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है और आपको ये हेल्प एंड फीडबैक आप देख सकते हैं, इस पर जाना है। नाम और लास्ट नेम और जीमेल आईडी आपको यहाँ पे डालने को देखने को मिल जाता है जो कि आपको डाल देनी है। उसके बाद आप देख सकते आपका फ़ोन नंबर भी बोल रहा है, ईमेल आईडी बोल रहा है और सेकेंडरी ईमेल, मतलब दो ईमेल आईडी बोलते हैं लेकिन आप एक ही डाल सकते हैं, यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। मैं नंबर भी फिल कर देता हूँ, आप भी नंबर फिल कर लीजिए इसी तरीके से। ये सब वेरिफिकेशन में ये प्रॉब्लम आम हो गई तो इस वजह से आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे डाल देना है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है आपको यहाँ पे। और इसके बाद देख सकते हैं नीचे फॉर्म का ऑप्शन आता है, यहाँ पे फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपको पैन कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस तक भी लगा सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऊपर में फाइल का ऑप्शन, फाइल पे ओपन कीजिए और यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं भी कर लेता हूँ यहाँ से। और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड कर देना है कि मैंने अभी इस पर क्लिक करके कर लेता हूँ, मैं फ़ोटोज़ वगैरह दिख जाए, यहाँ से ले लिया एक फ़ोटोज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया है। इस तरीके से आपका भी यहाँ पे इमेज आ जाएगा, आप देख सकते हैं जो आपने जो पीडीएफ या फिर जो भी लिए, पीडीएफ नहीं जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो आपको यहाँ पे डाल सकते हैं, तो इस तरीके से, या फिर फ़ोटो खींचें वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल जाता है, अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे रिकॉल करके भी अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप आई होप कि आपको पता चल गया हो किस तरीके से आप रीओपन रीएक्टिवेट कर सकते हैं अपना गूगल अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हो गया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।